नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस समय है पंजाब में, जहां आगामी चुनावों को लेकर लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक सांगवान, प्रमोद रिसालिया और परवेश चौहान। तो देखना ना भूले द भारत खबर की चुनावी यात्रा। दिल्ली में कमजोर पड़ता जा रहा है कोरोना वायरस। विशेषज्ञों ने त्योहारी सीजन के दौरान तीसरी लहर आने की जताई थी आशंका, लेकिन दिल्ली में अभी कंट्रोल में है कोरोना। राजधानी में 42,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए संक्रमण के महज 25 नए मामले। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। एक्टिव केसों की संख्या 351। 188 मरीज अस्पताल में और 2 मरीज कोविड केयर सेंटर में है भर्ती। करीब 100 मरीज होम आइसोलेशन में। दिल्ली में डेंगू का डंक बरपा रहा है कहर। राजधानी में मरीजों को नहीं मिल रहे हैं बेड। नगर निगम के अनुसार 16 अक्टूबर तक राजधानी में डेंगू संक्रमित 723 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इनमें से 243 मरीज पिछले एक सप्ताह में ही सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों की स्थिति देखें तो दिल्ली में साल 2018 के बाद सबसे अधिक डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में डेंगू के मरीजों को अस्पतालों में बेड्स की किल्लत होने के बाद दिल्ली सरकार ने दिया आदेश। अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड्स की संख्या घटाई गई। लोकनायक अस्पताल में कोरोना के लिए रिजर्व 700 बेड्स में से 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए किए गए खाली। इसके अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना के लिए आरक्षित 600 बेड्स में से 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए बढ़ाए गए। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम जिनकी क्षमता 100 बेड्स या इससे ऊपर है, वो केवल 10% बेड्स कोरोना के लिए आरक्षित रख सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए बेड्स की उपलब्धता बढ़ेगी। दिल्ली NCR की सांसों पर संकट के बादल घिरे। बारिश के थमने के साथ ही दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने के सिलसिले ने पकड़ा जोर। हवाओं के साथ राजधानी में पहुंच रहा है पराली का धुआं, जिसकी वजह से दिल्ली में 12% तक बढ़ गया है प्रदूषण। अगले 3 दिनों तक राजधानी की हवा बेहद खराब स्तर में रह सकती है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता देख कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनाया सख्त रवैया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में धूल की रोकथाम के लिए NCR के जिलों में निर्माणाधीन साइटों पर हो रही है सख्ती। CAQM के निर्देशों पर कई टीमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नजर रख रही हैं। CAQM के अनुसार अभी तक दिल्ली NCR में 6,596 साइटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 963 साइटों पर लापरवाही पाई गई। इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया गया है। वहीं 52 निर्माणाधीन साइटों को दिए गए हैं काम बंद करने के नोटिस। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने वेस्ट विनोद नगर में भू माफियाओं से खाली करवाई सरकारी जमीन। स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत मिल रही थी कि भू माफियाओं और कुछ असामाजिक तत्वों ने बारात घर के लिए निर्धारित की गई जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस कारण स्थानीय लोगों को छोटे समारोह आयोजन करने में काफी मुश्किलें आती थी। जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त करके यहां जनता की सुविधा अनुसार 3 मंजिला एक आधुनिक बारात घर का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी समारोह का आयोजन करने के लिए दूर न जाना पड़े। डिप्टी CM ने कहा, जनता को उनका हक दिलवाना केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता है। भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम बुराकोवस्की ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। पोलैंड के राजदूत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यटन के क्षेत्र में दिल्ली के साथ मिलकर काम करने का रखा प्रस्ताव। CM केजरीवाल ने कहा, हम पहले से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कर रहे हैं काम, लेकिन इसमें हमें पोलैंड की विशेषज्ञता लेने में खुशी होगी। पोलैंड के राजदूत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ पर्यटन पर पोलैंड के साथ दिल्ली के सहयोग की संभावनाओं सहित कई मुद्दों पर की गई चर्चा। दिल्ली में दिवाली से DTC के बेड़े में शामिल होंगी पहली ई बस। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में पहला ई बस डिपो बनकर तैयार हो गया है। DTC में आने वाली 300 बसों के लिए 3 बस डिपो बनाए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि बसों की पहली खेप दिवाली से पहले दिल्ली को मिले। हालांकि बसों की यह संख्या उम्मीद से बेहद कम यानी 10 से भी कम होगी, मगर बसों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिसंबर तक ये सभी बसें दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगी। अब दिल्ली पुलिस के SHO और पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर्स को तुरंत मौके पर पहुंचना होगा और साथ ही बताना होगा कि वो कितने समय में मौके पर पहुंचे। अब थाना अध्यक्षकों को मौके पर पहुंचने का टाइम लॉक होगा, साथ ही थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर अब हर PCR कॉल पर जाएंगे। इसके अलावा ACP भी गंभीर अपराध की कॉल पर जाएंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली में अपराध को कम करने के लिए उठाया है ये सख्त कदम। दिल्ली में DDA PM आवास योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 7 लाख रुपए में घर मुहैया कराएगा, वो भी मूलभूत सुविधाओं के साथ।
अगर आप भी डीडीए दिल्ली फ्लैट्स योजना यानी डीडीए दिल्ली फ्लैट्स स्कीम के तहत घर बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए www.dda.org.in पर आपको फ्लैट ऑनलाइन पंजीकरण 2021 आवेदन पत्र भरना होगा। कोरोना वायरस के दौर में लोगों को परेशानी नहीं हो इसलिए डीडीए ने ऑनलाइन ही आवेदन मंगवाए हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।